हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो एमकेजे टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे आप भाई? बाजार सुबह सुबह मैं आज जो है एक नया आपको सूत्र दूंगा। तो ये प्रोग्राम का नाम हल्का सा मॉडिफाई किया है, इसका नाम रख दिया है एमकेजे के सूत्र, शेयर बाजार के लिए एमकेजे के सूत्र। आज हम बात करेंगे सूत्र नंबर दो की। ये नाम जो है इसका, जो पहले भी मैंने एक नाम रखा था शेयर बाजार की कहानी एमके जी की जुबानी, एक मेरे दर्शक हैं जिनका नाम है आमे पाठक, वो मुझे सजेस्ट करते हैं। उन्होंने पिछली बार भी सजेस्ट किया था, कहते से इस बार एक्नॉलेज कर देना। तो मैंने कहा भाई वीडियो के माध्यम से बता दूं कि जो पाठक जी हैं ये मेरे प्यारे बच्चे हैं, उनके सजेशन पर मुझे अच्छा लगा। मैंने कहा भाई ये होने चाहिए, अल्टीमेटली सूत्र तो मैं ही दे रहा हूँ आपको। चीज़ें तो उपलब्ध हैं दुनिया भर में, पर उसको समेटना, रखना, बताना वो मेन इंपॉर्टेंट है। तो आज हम बात करेंगे शेयर बाजार के एमकेजे के सूत्र नंबर दो। भाई अब देखिए, शेयर बाजार के लिए जो मैंने खुद जो फीलिंग की है एक बहुत बड़ी, कि अगर हम शेयर बाजार में निवेश करते हैं लंबे पीरियड के लिए, पैसे लगाते हैं छोड़ देते हैं, पैसे लगा देते हैं छोड़ देते हैं, पैसे लगा देते हैं छोड़ देते हैं, फिर हमें शेयर बाजार से ना बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं करनी चाहिए। जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट बाजार में चल रहा होता है, जैसे मान लीजिए नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है, तो आप उसका ड्योढ़ा कर लीजिए 1.5 टाइम्स, यानी आपकी एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए कहीं आपकी रिटर्न 12% के आसपास हो जाएगी। अब जैसे आजकल देखेंगे जो एफडी वगैरह में हम पैसे लगाते हैं, तो 6% के आसपास की एवरेज रिटर्न आ रही, कोई ज्यादा दे रहा है कोई कम दे रहा है, पर एवरेज रिटर्न। अगर डेट फंड भी देखेंगे आप, मनी मार्केट डेट फंड भी 6% से कम की रिटर्न दे रहे हैं। अब अगर हम शेयर बाजार में पैसा लगाते हैं तो उसका 1.5 गुना क्या हो गया, 9 9 10 कह लीजिए। तो इस वक्त अगर हम लॉन्ग टर्म के लिए निवेशित हैं, मैं बात कर रहा हूँ 5 साल 10 साल 15 साल, तो हम 9 10% के हिसाब से रिटर्न निकाल पाएंगे। अगर हम सोचें इससे ज्यादा रिटर्न निकाल लें तो फिर ये हमारी भूल है। देखिए होता क्या है, जीवन में आदमी परेशान क्यों होता है, बिकॉज अ पर्सन इज टेकन बाय सरप्राइज। उसको लगता है अरे ये तो मुझे पता नहीं था, हाँ ये क्या हो गया, ऐसा कैसे हो गया, मैं तो सोचा नहीं था। ये जो सरप्राइज एलिमेंट है वो कई बार सरप्राइज की जगह शॉक एलिमेंट बन जाता है, जिससे आदमी परेशान होता है, दुखी होता है, उसको मजा नहीं आता। अगर आप अपनी अपनी जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो रीजनेबल रखेंगे तो आप जीवन में सदा खुश रहेंगे। अब आप लॉन्ग टर्म के लिए निवेशित हैं, आज के माहौल के हिसाब से आपको यही सोचना चाहिए कि आपकी रिटर्न जो है शेयर बाजार में कहीं जो है 9 से 10% की निकल के आएगी अगर आप लॉन्ग टर्म में निवेश करें। इससे ज्यादा रिटर्न आ गई, वेरी गुड, कम आ गई, ठीक है यार थोड़ा और इम्प्रूव करिए, कोई आपके स्टाइल में कमी है। तो जितना ये आपको समझना पड़ेगा, और अगर आप चाहते भी रिटर्न बढ़ जाए, क्योंकि शेयर बाजार की खूबी क्या है, वो ना रिटर्न उतनी देता है नॉर्मल, पर गिर गिर के चढ़ चढ़ के देता है। बाई चांस किसी ने लोअर लेवल पे लगा लिया, जब चढ़ गया उसको रिटर्न ज्यादा नजर आएगी, फिर गिर गया उसको कम नजर आएगी। अब आप में से ज्यादातर लोग जो लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करते हैं वो सिप के माध्यम से करते हैं, एक सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं, थोड़ा थोड़ा करते रहते हैं। अगर तो आपको जो रिटर्न है आप महंगे भी इन्वेस्ट करते हैं सस्ते में भी करते हैं, इसलिए आपकी रिटर्न जो है 1.5 गुना के आसपास ही आएगी। बाजार बहुत स्मार्ट है, वो ज्यादा रिटर्न नहीं देता। हाँ आप चाहे इसमें थोड़ा इजाफा करना चाहते हैं तो एमकेजे फिक्स फिक्स डबल सिप, एमकेजे फिक्स फिक्स डबल सिप वो लगाएं, तो आपकी रिटर्न जो है रिलेटिवली, और यहां से जैसे आप, मैंने कहा ना ड्योढ़ा आनी चाहिए, वो ड्योढ़ा की जगह दुगनी हो जाएगी, यानी 6 की जगह आपको 12 के आसपास आप पहुंच सकते हो। पर ये सब बातें जो मैं बता रहा हूँ इसमें भी रेंज लेके चलिए, 1 2% ऊपर नीचे, क्योंकि हर चीज आप पकड़ नहीं पाते ना। अब सिप में आप जितना स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे रिटर्न उतनी दुगनी होने के चांस हो जाएंगे। तो बाजार में ना ये कुछ सिस्टम बना हुआ है, बाजार हमें ललचाता बहुत है लेकिन रिटर्न अपने हिसाब से वो नॉर्मली देता है। और बाजार की जो नॉर्मल रिटर्न है अगर नॉर्मल वे में सिप करेंगे तो जो भी ब्याज की दर है उसकी 1.5 गुना के लगभग आएगी, और अगर आप उसमें तड़का लगा देंगे इसका एमकेजे फिक्स फिक्स डबल सिप, तो वो दुगनी के लगभग हो जाएगी। पर आप सोचो मिराकुलस आप मल्टी बैगर रिटर्न कमा लोगे, 100% रिटर्न कमा लोगे। कई लोग मुझे फोन करते हैं सर मैं हर महीने जो है 5 लाख रुपए लगाऊंगा, हर महीने जो है 1 लाख रुपए लगाऊंगा, क्या ये मेरा इतना बढ़ जाएगा? भाई उतने बढ़ने के लिए आप रिटर्न तो कैलकुलेट परसेंटेज से ही करोगे ना, तो आपको ये समझना है। अब आपको सर नहीं मुझे तो ज्यादा रिटर्न चाहिए तो क्या करना है? भाई फिर सीधी सी एक फॉर्मूला है एमकेजे क्रीपिंग स्ट्रेटेजी जो है, आप ये जो भी नाम बताता हूँ यूट्यूब पे डालिए और साथ में मनोज कुमार जैन लिख दीजिए तो आपको मेरी सारी वीडियो मिल जाएंगी। एमकेजे क्रीपिंग स्ट्रेटेजी को फॉलो करिए। इसका मतलब क्या होता है, जब बाजार गिर रहा होता है आपको तो ज्यादा खरीदते जाइए, और गिरे और खरीदिए, और गिरे और खरीदिए, और जब चढ़ रहा होता है तो बेच भी दीजिए, और बड़े तो और भी थोड़ा थोड़ा करके बेचिए। आपने देखा मैं विप्रो बेच रहा था कल, कैसे जैसे जैसे बढ़ता रहा मैंने सोच लिया विप्रो सारे बेचने,
हर 4-5 रुपए की राइस पे बेच दिया, HDFC लाइफ बेचा। ऐसे आपको क्रीपिंग स्ट्रेटजी से जब बाजार बढ़ रहा होता है तो अपने शेयर बेचो, घट रहा होता है तो खरीदो। अगर आप खरीद बेच नहीं करेंगे तो आपकी रिटर्न नॉर्मल आएगी, क्योंकि बाजार की खूबी क्या, जब चढ़ता है तो गिर गिर के, और जब गिरता है तो चढ़ चढ़ के। तो जब बाजार गिर रहा होता है तो हर गिरावट पे बेचते जाओ और खरीदते जाओ, और जब चढ़ रहा होता है हर चढ़त पे थोड़ा थोड़ा माल बेचो, फिर गिरेगा फिर खरीदो फिर चढ़ेगा तो बेचो, उससे आप अपनी रिटर्न को एक्सेलरेट कर सकते हो। तो फिर जो नॉर्मल बैंक रेट है उससे आपकी रिटर्न 3 से 4 गुना हो सकती है, प्रोवाइडेड आप कितने अच्छे से MKJ क्रीपिंग स्ट्रेटजी को लगाकर गिरते बाजार में खरीदते हैं और बढ़ते बाजार में बेचते हैं। तो फिर आपकी रिटर्न जो है, मान लीजिए 6% ब्याज चल रहा है, 3 से 4 गुना यानी 18 से 24%, एवरेज 20% के करीब आप पहुंच सकते हो। तो ये था आज का MKJ सूत्र नंबर 2। उसका समरी ये है कि अगर आप सिंपल सिप कर रहे हैं तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से 1.5 गुना की एक्सपेक्टेशन लगा के चलें। अगर आप MKJ फिक्स डबल सिप कर रहे हैं तो 1.5 की जगह 2 गुना तक पहुंच सकते हैं। और अगर आप MKJ क्रीपिंग स्ट्रेटेजी का तड़का लगा रहे हैं, जब खरीद बेच भी कर रहे हैं, गिरते बाजार में खरीदते हैं बढ़ते बाजार में बेचते हैं, तो आपकी जो एवरेज रिटर्न है वो 7 से 4 गुना तक हो सकती है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो का मजा आया होगा। इसी तरह के मैं, आप चाहेंगे कि मैं शेयर बाजार के लिए MKJ सूत्र लाता रहूं तो नीचे कमेंट बताइए, और ये नाम कैसा लगा ये भी कमेंट बताइए। सुबह छोटी वीडियो के साथ आपका दिन सुनहरा करने के लिए मैं लेके आता हूं। इसी के साथ साथ बाय, गॉड ब्लेस यू। अगर आप मेरे स्टूडेंट बन के लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दे रखना चाहें तो सारे के सारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं और स्टूडेंट बन के ढेरों वीडियोस प्लस लाइव डेमोन्स्ट्रेशन देख सकते हैं किस तरह से मैं ये सब स्ट्रेटजीज लगा के अच्छा मुनाफा कमाता हूं। इसी के साथ साथ आपको शुभ दिन हो, मजे करें, मौज करें, अच्छी प्रॉफिट बुकिंग करें।